So hey guys, and this is the second video on DSA with Python series, and my name is Abhijit, and in this video we are going to understand what exactly is array, and इसके ऊपर हम लोग कई सारे algorithmic challenges को देखने वाले हैं, like array को हम rotation कैसे कर पाते हैं, kth largest element कैसे find करवा पाते हैं, and find maximum in the array, जो कि बहुत important है, क्योंकि आप इन patterns को अगर आप समझ जाते हो, that how we can approach these kind of problem, then you can definitely go on the next part of the video, because these patterns are quite repetitive, आप किसी भी algorithmic challenge को follow करोगे, या फिर solve करने का try करोगे array से, so अगर आपको इन सारे algorithm की understanding है, so you can easily crack or you can build your own algorithm. So let's go into the system and understand what exactly is array, how we can do some operation in Python, then we are going to understand the array ko rotation kaise karte hain, kth largest element kaise find karte hain, and a lot of other problem as well. So let's go. So yeah, let's jump into the coding part, and in this video we are going to understand what exactly is array, and array ke upar hum log kaun kaun se operation ko perform kar sakte hain, and jo ki aapko DSA start karne se pehle aani chahiye. Okay, so array, I hope aapko pata hoga ki array hota kya hai. Agar nahi pata hai to main bata deta hu. Array is a kind of a data structure jiske andar hum log यू कैन से वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को, एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली लिमिटेड टू इंटीजर फ्लोट. आप चाहो तो कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, लाइक 1, 2, 3, मैं चाहूँ तो अभिजीत स्टोर कर सकता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ. एंड अगर मैं इनको प्रिंट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ARR, तो ये प्रिंट होकर के कुछ इस तरीके का दिखने वाला है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे एरे को, हमें पता चल गया कि कैसे हम लोग एरे को क्रिएट करते हैं, एंड कैसे हम लोग इंडेक्स वाइज एरे को निकाल सकते हैं, लाइक एलिमेंट मेरे को. अगर देखो, इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ जो होती है वो आपकी इंडेक्स से स्टार्ट होती है. कैसे? जैसे ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो इंडेक्स है. सो इंडेक्स मतलब ये जीरो से स्टार्ट, यहाँ पे ही आपको जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है. ठीक, जीरो. उसके बाद में ये वाली जो चीज़ है वो 1 पे पड़ी है, ये वाली 2 पे पड़ी है, ये वाली आपकी 3 इंडेक्स पे पड़ी है, एंड सो ऑन, ये 4 पे पड़ी है. तो अब मान लेते हैं कि मेरे को अगर अभिजीत की वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब सेकेंड वाली वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये आर ऑफ 2, 0 1 को प्रिंट करेगा, 1 2 को प्रिंट करेगा, और अभिजीत 2 को प्रिंट करने वाला है. तो मैं अगर इसको जाकर के प्रिंट करता हूँ, सो ये मुझको क्या देने वाला है, अभिजीत. अगर मैं यहाँ पे ARR ऑफ 0 कर दूंगा, तो ये मेरे को फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करेगा. दैट इज ओके, अब आपको समझ में आएगा, आगे होगा. अब हम बता दें कि एरे के अंदर आपको किसी एलिमेंट को जब अपडेट करना हो, तो आप कैसे अपडेट करोगे. सो मान लेते हैं कि मेरे को यहाँ पे अभिजीत नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे वैल्यू कुछ चाहिए, तो मैं ARR करूंगा, ARR ऑफ 0, 1 एंड 2. तो 2 इंडेक्स में मेरे को यहाँ पे 3 डालना है, तो ARR ऑफ 3 डाल दूंगा. तो जैसे ही मैं अब इसको प्रिंट करूंगा, तो ARR में वैल्यू अपडेट हो गई होंगी, दैट विल बी लाइक 1, 2, 3, 1.4 यहाँ पे होगी. अगर मैं, मेरे को 1.4 वाले को भी अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 कर दूंगा और यहाँ पे 4 कर दूंगा. मतलब यहाँ पे कुछ भी आप वैल्यू डाल सकते हो, 4 इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो 1, 2, 3, 4 हो गया. इसी तरीके से इसकी वैल्यू को भी अपडेट कर सकता हूँ. अब हम देखते हैं कि हमें अगर वैल्यू को डायनेमिकली चीज़ों को पुश करना होगा रन टाइम पे, तो हम कैसे करने वाले हैं. जैसे अभी इस टाइम पे 1, 2, 3, 4 पड़ा हुआ है. ठीक है, व्हाट आई वांट इज, मैं यूजर से एक इनपुट लेने वाला हूँ, एंड यूजर इसमें वैल्यू को पुश करने वाला है. सो लेट्स पुश गेट द एलिमेंट, लाइक लेट्स से वैल्यू एंड इन, लेट्स पुश इंटीजर वैल्यू, इनपुट एंटर वैल्यू. ओके, एंड मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी, मैं इसके अंदर इसको अपेंड करने वाला हूँ, एरे डॉट अपेंड ARR. ठीक है, अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैं इसे पूछ रहा हूँ क्या वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो. मैं यहाँ पे 5 इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ARR को हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं, तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर देगा. प्रिंट करूँगा यहाँ पे डालूंगा क्या, मेरे को 5 इंसर्ट करना है, तो ARR ऑफ, सॉरी यहाँ पे ARR वैल्यू होगा. ओके, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट 5, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया. अब मेरे को अगर दोबारा कुछ इंसर्ट करना होगा, मान लेते हैं 6, तो 1, 2, 3, 4, 6 हो जाएगा. तो रन टाइम पे हम लोग अपेंड कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखते हैं कि इंसर्ट क्या होता है. देखो, एक एरे के जो पाइथन के अंदर लिस्ट होती है, उसके अंदर दो ऑपरेशन होती हैं टू एड वैल्यू. फर्स्ट वन इज अपेंड, नेक्स्ट वन इज इंसर्ट. सो इंसर्ट जो है वो आपसे एक वैल्यू लेता है, उसके बाद में आपसे ये कि इंडेक्स लेता है कि आप कौन से इंडेक्स पे वैल्यू को पुश करना चाहते हो. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू की जगह पे मैं डालता हूँ 5, एंड मेरे को जो 5 है वो किस इंडेक्स पे मैं डालना चाहता हूँ.
मैं डालना चाहता हूँ उसको, यू कैन से समवॉट, मान लेते हैं यहाँ पे फोर लिखता हूँ, ठीक है। सो फिफ्थ इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट फोर को इंसर्ट कर दो। तो अब इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने इंसर्ट कर दिया फिफ्थ इंडेक्स पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड इंडेक्स पे फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं। तो ये सेकेंड पे इंसर्ट कर दिया है ना, 0, 1, 2 यानी कि फोर पे। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ, मान लेते हैं नेगेटिव ऑफ वन को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वन को इंसर्ट कर सकता हूँ। सो इंसर्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है। अब इसके साथ साथ में एक चीज़ होती है रिमूव, मतलब मेरे को अगर एलिमेंट के अंदर कोई एलिमेंट को रिमूव करना है तो arr डॉट पॉप करूँगा, ठीक, पॉप करूँगा। एंड पॉप करने के बाद में ये क्या करेगा, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट arr। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने लास्ट वाले को हटा दिया, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट को। अगर मैं दोबारा इसको कॉल करूंगा arr डॉट पॉप तो ये दोबारा लास्ट वाले को हटा देगा, अगेन एग्जीक्यूट करूंगा तो ये पॉप कर देगा। अब क्या करते हैं, मेरे को अगर एलिमेंट कोई स्पेसिफिक एलिमेंट लिस्ट के अंदर से रिमूव करना है तो पॉप क्या करता है, वो आपका लास्ट वाली जो भी वैल्यू होती उसको वो हटा देता है। मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा कि हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग कैसे एरे के अंदर एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, उसके बाद में कैसे रन टाइम पे हम लोग वैल्यूज़ को अपेंड इंसर्ट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें सीखा। अब हम ये सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपसे DSA के जब आप लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम से आपसे आपको रन टाइम पे कुछ ऐसी एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी जहां से आपको एलिमेंट को रिमूव करना हो, स्पेसिफिक एलिमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, arr डॉट रिमूव कॉल करूँगा। एंड रिमूव जो है वो आपसे एक एलिमेंट देता है कि आप कौन से एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो। मैं यहाँ पे 2 को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 2 मेंशन करूँगा। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो 2 रिमूव हो गया। अब ट्राई करते हैं 3 के साथ में, जब मैं यहाँ पे 3 मेंशन करता हूँ तो ये 3 रिमूव हो गया। और एक बार ट्राई करते हैं, अगर दोबारा सेम वही चीज़ को इंसर्ट करता हूँ तो ये एरर दे देगा कि इस लिस्ट के अंदर ये है ही नहीं, तो आप कैसे रिमूव कर रहे हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप यू कैन से वैल्यूज़ को निकाल या रिमूव कर रहे होगे तो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, अगर वैल्यू नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन भी रेज कर देगा, और अगर सही चलेगा तो ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसने 103 को रिमूव कर दिया। अब हम देखते हैं कि कैसे हम लोग एरे को स्लाइस कर सकते हैं। मतलब स्लाइस का मतलब मेरे को इसका कुछ पार्ट चाहिए एरे का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा arr ऑफ 1:2। तो जैसे ही मैं 1:2 करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे को फर्स्ट से लेकर के सेकेंड इंडेक्स तक का स्लाइस करके दे देगा। अब वहीं मुझको अगर ज़्यादा बड़ा स्लाइस करना होगा तो मैं 1, 2, 4 कर दूंगा, तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्लाइस करके दे देगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे उल्टा भी स्लाइस कर सकते हो। तो अगर मेरे को अगर उल्टा स्लाइस करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेगेटिव ऑफ 3 ये कर दूंगा। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, सेम वही आउटपुट होने वाला है, बस ये लास्ट के 3 एलिमेंट को छोड़ देगा, पहले वाले को स्लाइस कर देगा। यहाँ पे मैं जैसे 2 करूंगा तो ये क्या करने वाला है, लास्ट के 2 एलिमेंट को छोड़ देगा, बाकी सबको रिमूव कर देगा। 3 कर दूंगा तो ये सेम वही चीज़ काम करने वाला। एंड इसके अंदर अगर हम लोग और भी वैल्यूज़ को डालते हैं, जैसे मान लेते हैं 5, 6, 7, नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, तो ये लास्ट के 3 एलिमेंट को छोड़ देगा, रखेगा, बाकी सबको स्लाइस कर देगा। तो इस तरीके से करते हैं। ओके, नाउ अब मान लेते हैं कि मेरे को अगर इस एरे के अंदर कोई वैल्यू चेक करनी कि इस एरे के अंदर ये वैल्यू है भी कि नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूँगा, तो उसके लिए आपके पास ऑपरेटर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन ऑपरेटर। सो इफ 2 in arr, सो लेट्स प्रिंट वॉट, यस 2 इज देयर, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट, तो ये 2 है। अगर हम 20 की बात करते हैं, क्योंकि 20 तो एरे के अंदर है ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं प्रिंट कर देगा, या फिर एल्स भी आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो ये भी एक छोटे छोटे कुछ ऑपरेशन है जिनको हमने सीखा है। उसके बाद में हम सीखते हैं कि किसके अंदर, इसके अंदर मिन एंड मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सो व्हाट आई विल गोना डू इज, हम यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे arr लिख देंगे। एंड जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, सो व्हाट इट विल डू इज, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, अगर मैं यहाँ पे जा करके नेगेटिव ऑफ 5 कर दूंगा तो ये नेगेटिव ऑफ 5 को प्रिंट करने का, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास में इस टाइम पे नेगेटिव ऑफ 5 है। एंड ऐसे ही हमारे पास में मैक्स होता है। सो मैक्स क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 को अगर मैं मेंशन करता हूँ तो ये
10 प्रिंट कर देगा. सो मिनिमम एंड मैक्सिमम भी मेरे को मिल जाएगा. उसी तरीके से आप यहाँ पे सम भी कॉल कर सकते हो. सम क्या कहता है कि ये पूरे का सम निकाल करके आपको दे देगा इसके अंदर का. तो ये छोटे छोटे पाइथन के अंदर फंक्शन है जिसको आपको आना चाहिए अगर आप डीएसए स्टार्ट कर रहे हो. ओके एंड उसके बाद में हम लोग एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि कई बार आपको सॉर्ट करना पड़ता है एरे को. ओके ऑल द वे हमारे पास में सॉल्टिंग एल्गोरिदम होती है, बट जब आप डीएसए सॉल्व कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे arr डॉट सॉर्ट. जैसे आप सॉर्ट को फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो तुरंत ही आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके हम arr को प्रिंट करेंगे. तो ये क्या करेगा, आपको सॉर्ट करके दे देगा एरो. मतलब ये कुछ प्रिंट नहीं करता है, ये आपका कॉल बाय रेफरेंस यूज करता है. मतलब इसके अंदर एरे को ऑटोमेटिकली ये सॉर्ट करके दे देगा. उसके बाद में मेरे को रिवर्स में सॉर्ट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, arr सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दूंगा. एंड जैसे मैं इसको ट्रू करूंगा एंड नाउ इफ आई एम गोना एग्जीक्यूट इट, तो ये रिवर्स में सॉर्ट करके दे देगा. तो कभी कभी क्या होता है कि आपको जब हम लोग लीड कोड में जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने वाली हैं. सो ये कुछ स्मॉल स्मॉल ऑपरेशन है जिसको आपको आना चाहिए. उसके बाद में कई बार क्या होता है कि आपको एरे का कॉपी करना होता है. arr ऑफ 1 इज इक्वल टू लेट्स से 264. ओके नाउ लेट्स डू इज, तो यहाँ पे ये, सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड में ये हो रहा है. तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एरे को. तो इंस्टेड ऑफ दिस arr1 आई एम गोना डू इज arr डॉट कॉपी. एंड जैसे ही मैं इसको कॉपी करूंगा, अब अगर मैं कुछ भी जाकर के चेंजेस करूंगा तो देखो ये एरे सेम रहने वाला है क्योंकि इसमें तो हमने कोई मॉडिफिकेशन किया ही नहीं. एंड ये एरे में जो भी मॉडिफिकेशन आप करोगे वो इसमें रेफरेंस होने वाला है. तो होता इंटरनली क्या है, जब आप यहाँ पे मीरो पे जाओगे, मीरो पे कह रहा हूँ, यहाँ पे जाओगे तो क्या होता है, पाइथन के अंदर एक हीप मेमोरी क्रिएट होती है. मतलब रैम के अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं. ठीक है, रैम है आपके, रैम के अंदर ये पड़ा हुआ है, रैम में मान लेते हैं. ठीक है, एंड हुआ क्या कि आपने एक arr करके क्रिएट किया तो रैम के अंदर एक मेमोरी इंडेक्स में एक एरे क्रिएट हो गया. अब आपने arr1 भी किया तो दोनों क्या कर रहे हैं, इसी वाले को पॉइंट कर रहे हैं जाकर के. तो ये प्रॉब्लम हो गया. तो इस वाले को जब अभी आप चेंज करोगे तो पॉइंट तो इसी चीज़ को कर रहा है ना, तो ये कैसे होगा, ये तो भाई काम ही नहीं करने वाला है. तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, कॉपी arr डॉट कॉपी. तो कॉपी का मतलब क्या होगा, ये एक और नीचे एक मेमोरी इंडेक्स में सेम उस चीज़ को कॉपी करके आपको दे देगा. सो दिस इज हाउ यू डू. ओके सो नाउ आई होप आपको कई सारे एरे के ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द मेन लॉजिक कि हम के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखने वाले हैं कि एरे के अंदर टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है. उसके बाद में सेकेंड जो थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज एरे को रोटेशन कैसे करवाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपको कई बार एरे को रोटेशन करवाना होता है. यानी कुछ पैटर्न्स हैं. उसके बाद में हम लोग लीड कोड के कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड रियली थैंक यू. एंड ऑल्सो वन थिंग, अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है पाइथन का, बिकॉज डीएसए इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड साथ साथ में आपको वेब डेवलपमेंट भी आना चाहिए. एंड अगर आपको वेब डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरीके से सीखनी है, बिकम 2% ऑफ द जांगो डेवलपर बनना है, सो व्हाट आई डू इज आप चेकआउट कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में. दैट विल लैंड यू टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट दैट इज कॉल्ड advancedbackend.com. एंड इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही टॉप नॉच कोर्स मिल जाएगा अबाउट पाइथन जांगो. ओके एंड जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क ऑल्सो. एंड दिस कोर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली पाइथन जांगो को हम लोग यूज करते हैं, एक बढ़िया स्केलेबल प्रोजेक्ट बना सकते हैं. उसके बाद में हम लोग इसके अंदर ऑथेंटिकेशन, रैबिट एमक्यू, वेब स्क्रैपर, इलास्टिक सर्च, काफ्का, डॉकराइजिंग, जांगो की इंटरव्यू प्रिपरेशन, जांगो चैनल्स, लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, जांगो को प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, ई कॉमर्स एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, तो कई सारी एडवांस जांगो की स्टेप को हम लोग सीखने वाले हैं. सो आई डू रिकमेंड कि आप जाकर के इस कोर्स को चेकआउट करो. एंड इसके अंदर हम आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट यू कैन डेफिनेटली चेकआउट. सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय एंड.